हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं हेलोएल्केन का जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम बताएंगे कि हेलोएल्केन का फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या आता है। तो हेलोएल्केन के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में पहले जो आएगा दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट्स, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएल्केन्स। उसके बाद आता है सॉल्युबिलिटी, सॉलिबिलिटी के बाद आ जाता है डेंसिटी, एंड डेंसिटी के बाद हेलोएरिन की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिबिलिटी एंड डेंसिटी, इसके बारे में मुझे बताना है। मतलब टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन। तो हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन का फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड को समझना जरूरी है। कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, सपोज वी हैव कार्बन एंड एक्स, ये सपोज एक हेलो एल्केन है, इसमें ये कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर क्या है इसको पता करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम लोगों ने अगर पता किया तो उसमें से हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने में बहुत आसान हो जाएगा। अभी बात है कि ये जो सी एक्स बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, ये पोलर है। ये बॉन्ड पोलर क्यों है? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ई एन शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो हैलोजिन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस केमिकल बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसमें से हम लोगों को पता चल जाता है कि ड्यू टू दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड कार्बन, एक्स इज गेटिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेल माइनस, एंड कार्बन इज गेटिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेल प्लस। दिस टू थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने बोला कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर, कार्बन हैलोजन बॉन्ड इज पोलर। व्हाट इज द रीजन? द मेन रीजन इज दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन एटम इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस के लिए ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर कार्बन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर हैलोजन आ जाता है। इसीलिए ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है हेलोएल्केन में, दैट इज पोलर। तो इस पोलरिटी के ऊपर डिपेंड करके बहुत सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन होता है। अभी बात है, अगर हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल को याद किया तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद आ रहा है क्लोरीन, उसके बाद आ रहा है ब्रोमीन, एंड फाइनली वी आर गेटिंग आयोडीन। तो ये ऊपर से टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम लोगों को मिलेगा। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है ना, साइज ऑफ द एटम इज गोइंग टू इंक्रीज। तो साइज ऑफ द एटम जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, ये जो सी एक्स बॉन्ड लेंथ है, ये जो सी एक्स बॉन्ड लेंथ, ये जो सी एक्स बॉन्ड लेंथ, दिस वन इज बॉन्ड लेंथ, ये सी एक्स बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करते जाएगा जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज में, सपोज आई एम टेकिंग सी कार्बन फिक्स्ड, एक्स फ्लोरीन, चेंज करके क्लोरीन, चेंज करके ब्रोमीन, चेंज करके आयोडीन, तो जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा। तो देन वी कैन से द बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम कार्बन फ्लोरीन टू कार्बन आयोडीन। मतलब कार्बन फ्लोरीन से हम लोग जितना कार्बन आयोडीन तक जाएंगे, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जितना इंक्रीज होता है, बॉन्ड एंथैल्पी उतना ही डिक्रीज हो जाता है। मतलब कोई भी दो एटम के बीच में, जैसा सोचो कि ये सी एक्स, इन दोनों के बीच में बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा होगा, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए वो कम होते जाएगा,
क्योंकि ये केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि एटम जितना छोटा होता है उतना ही बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वी हैव टू गिव मच मोर एनर्जी। बट व्हेन द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू एटम इज गोइंग टू इंक्रीज, द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, तो अभी बात है जब हम कार्बन फ्लोरीन से कार्बन आयोडीन तक जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, इसका मतलब है जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो अगर हम इसको ऐसे बताते हैं कि डाइपोल मोमेंट्स, इसका डाइपोल मोमेंट्स कैसा होगा, देखो डाइपोल मोमेंट्स जैसा पोलैरिटी के ऊपर डिपेंड होता है ऐसा ये बॉन्ड लेंथ के ऊपर भी डिपेंड होता है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसा नहीं कि पोलर होने से डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऑर्डर इधर बताऊंगा, किस चीज का ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ सी एक्स बॉन्ड, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ सी एक्स बॉन्ड ये कैसा होगा। ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ सी एक्स बॉन्ड अगर हम देखते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें देखना है कि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट जो है ये सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन एंड फाइनली कार्बन आयोडीन मिलता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड। कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है कंपेयर टू द कार्बन फ्लोरीन, और कार्बन फ्लोरीन का कार्बन ब्रोमीन से ज्यादा होता है, और कार्बन आयोडीन का सबसे कम होता है डाइपोल मोमेंट। अभी बात है कि इफ यू टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ पोलरिटी, ठीक है, कार्बन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन क्लोरीन से ज्यादा है। तो कोई कोई स्टूडेंट सोचता है कि कार्बन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, लेकिन ये सच नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन क्लोरीन का कार्बन फ्लोरीन से कम है। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूं, सपोज कार्बन एंड फ्लोरीन, कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ऐसा कुछ होता है, इसका जो डिफरेंस है ये डिफरेंस एक्चुअली ग्रेटर देन दैट ऑफ द कार्बन क्लोरीन। ये क्या है, ये ई एन डिफरेंस है, दिस इज सिंपली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो ये कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये कम है, इसीलिए कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट कार्बन क्लोरीन से ज्यादा है। इस ऑर्डर को अच्छी तरह से सुनना है, कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कार्बन फ्लोरीन से कम है इसीलिए कार्बन क्लोरीन का डाइपोल मोमेंट कार्बन फ्लोरीन से ज्यादा है। तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हम लोगों को क्या मिला, कार्बन क्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन एंड फाइनली कार्बन आयोडीन। तो इसको हम अगर समारी करते हैं तो सी एक्स बॉन्ड इज पोलर इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्रिएट होता है, इसीलिए हैलोजन डेल माइनस और कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव पार्शियल चार्ज आ रहा है। मैंने बताया कि पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो क्या होता है ना, इसका साइज बड़ा होता है। साइज जब बड़ा होता है तो सी एक्स बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होता है। तो फ्रॉम दिस नॉलेज वी कैन से कार्बन फ्लोरीन से कार्बन आयोडीन तक बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा। तो इसमें मैंने बोला कि कार्बन क्लोरीन फ्लोरीन से कार्बन आयोडीन तक जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जितना बड़ा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतना ही कम होते जाएगा, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी देना पड़ेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी बात है कि हम बताएंगे कार्बन हैलोजन बॉन्ड में डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि कार्बन क्लोरीन का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, उसके बाद कार्बन फ्लोरीन, उसके बाद कार्बन ब्रोमीन एंड फाइनली लास्ट में कार्बन आयोडीन। ये रीजन जो है कार्बन क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, कार्बन क्लोरीन का कम है। एंड अकॉर्डिंग टू द डायपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट, जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है। दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ डायपोल मोमेंट ऑर्डर। नाउ लेट मी टॉक अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो आ जाता है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। किसी को बॉइल करने में जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले हम बताते हैं बी डॉट पी, दिस इज फर्स्ट पॉइंट। बी पी मतलब इज नॉट ब्लड प्रेशर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बता सकते हैं कि ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर
अगर हम बताएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, आर सी एल लेस देन आर बी आर एंड आर आई, ठीक है, मतलब आर आई का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है और आर सी एल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है जब तीनों में एल्काइल ग्रुप सेम है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन माई वॉइस. आर सी एल का बॉइलिंग पॉइंट आर आई से कम है, आर आई का ज्यादा है. दिस इज अ सिंपल लॉजिक, आई एम गोइंग टू टेल यू द लॉजिक. इट इज बिकॉज विद द इंक्रीज इन द साइज द मास ऑफ द हैलोजन एटम इज गोइंग टू इंक्रीज एंड दैट्स वाई द वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है. मतलब तीनों में आर एल्काइल ग्रुप फिक्स्ड है, आयोडीन का साइज बड़ा है तो डेफिनेटली इसका एटॉमिक वेट ज्यादा होगा. इसका एटॉमिक वेट जितना ज्यादा होगा, आयोडीन का एटॉमिक वेट ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट क्लोरीन से ज्यादा है, तो एटॉमिक वेट के रेस्पेक्ट में आरआई सबसे हेवी है, तो इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ इंटरैक्शन जो है वो ज्यादा हो जाता है. उसको तोड़ के बॉइल करने के लिए वी हैव टू गिव मच मोर हीट एंड दैट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट आरआई का सबसे ज्यादा होता है व्हेन एल्काइल ग्रुप इज सेम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका एक इंफॉर्मेशन और डेटा हम दे सकते हैं. जैसा सोचो CH3F, CH3F का बॉइलिंग पॉइंट इज 195 केल्विन. ये जो डेटा मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मेमोराइज करने के लिए नहीं है, जस्ट देखने के लिए है. CH3Cl में इसका होता है 249 केल्विन. दिस इज BP, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट. CH3Br में जो बॉइलिंग पॉइंट है दिस इज सिंपली 278 केल्विन. एंड CH3I आयोडीन में जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 316 केल्विन. ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि मिथाइल आयोडाइड में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है क्योंकि मॉलिकुलर वेट आयोडीन का सबसे ज्यादा है. बिकॉज मिथाइल ग्रुप इज सेम फॉर ऑल द कंपाउंड्स, आयोडीन का मॉलिकुलर वेट ज्यादा है तो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिंपली ज्यादा होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी बात है कि एल्काइल ग्रुप मैंने बोला सेम, अगर एल्काइल ग्रुप चेंज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होगा. सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, देन इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सपोज वी हैव दिस कंपाउंड CH3 CH2 CH2 Cl. ये क्या है CH2 Cl, चार कार्बन है, ये ब्यूटाइल क्लोराइड है. इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज 351.5 केल्विन. ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसको इसका मैं आइसोमेरिक हैलाइड ले रहा हूं. CH3CH क्लोरीन इधर आ गया दो नंबर में, उसके बाद CH2 एंड फाइनली CH3. तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 341 केल्विन. चेंज हो रहा है, एल्काइल ग्रुप चेंज हो रहा है दोनों में, ये 351.5 केल्विन और इसमें आ रहा है 341 केल्विन. ठीक है, तो मेरा पास और एक आइसोमेरिक एल्कोहल है. जैसा सोचो कि आ रहा है कि CH3, ये जो है सी, इसमें CH3 है, इसमें एक CH3 है, इसमें एक CH3 है. ठीक है, एंड फाइनली वी आर गेटिंग Cl. तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये बॉइलिंग पॉइंट कुछ ऐसा होगा 324 केल्विन. ये एग्जाम्पल जो बताया मैंने दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज हैव अ लुक. ये पहला वाला मैं बताया था कि एल्काइल ग्रुप जब सेम है, जब हैलोजन एटम का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होता है. ठीक है, लेकिन जब हम एल्काइल ग्रुप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, ये है न्यू ब्यूटाइल क्लोराइड. क्लियर, तो हम देख सकते हैं कि एन ब्यूटाइल में 351.5, जब आइसो हो गया तो 341, जब न्यू हो गया तो 324. मतलब ब्रांचिंग जितना ज्यादा हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट कम होते जा रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मतलब अगर एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा. दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, जब ब्रांचिंग ज्यादा हो रहा है तो हम नियो में, ये नियो आइसोमर है, दिस इज अ ओल्ड कॉन्सेप्ट, ये नियो, दिस वन इज आइसो एंड दिस वन इज एन. एन स्टैंड फॉर नॉर्मल, ओके, एंड दिस इज आइसो. तो इसमें हम देख सकते हैं, इसको अगर मैंने ड्रॉ किया तो वी कैन सी कि ये जो CH3 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 Cl है, इसमें हम आराम से बोल सकते हैं कि ड्यू टू ब्रांचिंग इसका जो सेप, ये सेप स्फेरिकल टाइप का आ रहा है. ठीक है, लेकिन जब ब्रांचिंग कम था
इसमें ये स्फेरिकल नहीं था, ठीक है, और इन में तो एकदम ही नहीं था। मतलब ब्रांचिंग जितना आगे जा रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल बिकम स्फेरिकल। सर अभी क्वेश्चन है कि स्फेरिकल होने से क्या होता है? स्फेरिकल होने से इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाता है। कोई भी स्फीयर का सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया अगर कम होगा तो इसको बॉयल करने में कम एनर्जी देना पड़ता है। मतलब इफ सरफेस एरिया इज लेस देन वी कैन इजीली बॉयल दैट कंपाउंड। तो इसीलिए जब ब्रांचिंग ज्यादा होता है उसका शेप कुछ स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल जब होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा ड्यू टू हायर सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया जब ज्यादा होता है तो उसको बॉयल करने में कम एनर्जी देना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो नियो आइसोमर है इसका सबसे कम है 324 केल्विन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट और बॉइलिंग टेम्परेचर। और एक बात है, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अगर हम लोगों ने CH3Cl ले लिया, ठीक है, तो इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3CH2Cl, एक ही है हैलोजन एक क्लोरीन, ठीक है। अगर हम लोगों ने इसको ले लिया तीन कार्बन CH3CH2CH2Cl, तो ये आगे जाएगा सिंपल। क्यों? क्योंकि इसमें मॉलिकुलर वेट सबसे ज्यादा है। मॉलिकुलर वेट जितना ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। इसमें एक मिथाइल ग्रुप है, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा सिंपल। दिस इज ऑल अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलो एल्किन। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिंपली सॉल्यूबिलिटी, सॉल्यूबिलिटी ऑफ हैलो एल्केन। अभी इसमें एक बात है, ये जो हैलो एल्केन RX, ठीक है, अभी अभी मैंने बताया RX इज पोलर इन नेचर, ठीक है, वाटर भी पोलर है, H2O भी पोलर है, तो नॉर्मल सेंस से हैलो एल्केन को वाटर में डिजोल्व होना चाहिए। लेकिन हैलो एल्केन्स जो है RX, ये वाटर में H2O में डिजोल्व नहीं होता है, डिजोल्यूशन H2O में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हैलो एल्केन इज अनेबल टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हैलो एल्केन नहीं कर पाते, इसलिए जो भी हैलो एल्केन है वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, इसीलिए हैलो एल्केन सर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो हैलो एल्केन किसमें सॉल्युबल होता है? हैलो एल्केन कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज एल्कोहल, इथार एंड बेंजीन, ये आराम से सॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इजिली ये डिजोल्व होता है। तो ये पोलर है, फिर से हैलो एल्केन पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो नॉर्मल एक दिमाग में सेंस आ सकते हैं कि हैलो एल्केन सॉल्युबल इन वाटर, बट ये सॉल्युबल नहीं होता है बिकॉज हैलो एल्केन आर अनेबल टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी नहीं होता है, तो इसीलिए हैलो एल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है। दैट इज क्वाइट सिंपल। नाउ पॉइंट नंबर थ्री में हम बताएंगे डेंसिटी। डेंसिटी में खास बात कुछ नहीं है, ये अगर डेंसिटी हम बताने चाहते हैं तो ये जो RI है, RI एंड RBR, ये डेंसिटी का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा RI का डेंसिटी होता है, उसके बाद RBR, उसके बाद RCl, ठीक है। मतलब RI का डेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके बाद RBR, उसके बाद RCl। एक्चुअली जो क्लोराइड होता है एल्काइल क्लोराइड लाइटर देन वाटर, एल्काइल क्लोराइड लाइटर देन वाटर, बट एल्काइल ब्रोमाइड एंड आयोडाइड हेवियर देन वाटर। तो इसीलिए इसका जो डेंसिटी है, डेंसिटी RI सबसे ज्यादा, उसके बाद RBR, उसके बाद RCl। इसको तुम आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो कि RI का मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी ज्यादा होगा। मैंने बताया RBR का मॉलिकुलर वेट, और यू कैन से ब्रोमीन का एटमिक वेट आयोडीन से कम है, तो इसका मॉलिकुलर वेट कम होगा तो डेंसिटी कम होगा, RCl का सबसे कम है। तो ये सिंपल से कॉन्सेप्ट है डेंसिटी के बारे में। तो हम बताएंगे कि एल्काइल क्लोराइड जनरली लाइटर देन वाटर, वेयर एज एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड आर हेवियर देन वाटर। ओके, तो ये था हैलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में दो चार वेरिएशन मैंने बताया, उसके बाद आ गया सॉल्युबिलिटी। क्यों हैलो एल्केन, बहुत सारा गलती होता है, स्टूडेंट मैक्सिमम सोच लेता है कि हैलो एल्केन पोलर है तो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन नहीं, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होता है, बिकॉज वी नो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, इट इज क्वाइट कॉमन। तो
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड वो कर पाता तो हेलो एल्केन आराम से वाटर में सॉल्युबल हो जाता। डेंसिटी, डेंसिटी में मैंने बताया कि आरआई का डेंसिटी सबसे ज्यादा है, मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, उसके बाद आरबीआर, उसके बाद आरसीएल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट मी टॉक अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन के बारे में बोलना है और इसमें याद रखना है कि हेलोएरिन जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आता है दैट इज एमपी, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये किसके बारे में हम बोल रहे हैं, दिस इज नॉट हेलो एल्केन, दिस इज हेलो एरिन। ठीक है, हम बता रहे हैं हेलो एरिन के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली अगर हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव की बात करते हैं, मतलब बेंजीन रिंग उसके साथ एक ही हेलोजन रहेगा, तो उसमें उसमें बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो सिंपल ऐसा होता है, आई मतलब आयोडो ग्रेटर देन ब्रोमो ग्रेटर देन क्लोरो। ये सिंपल कॉन्सेप्ट, आयोडो का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट आयोडो बेंजीन का ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमो बेंजीन, उसके बाद क्लोरो बेंजीन। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है जो मैंने हेलो एल्केन में बता के आया। तो अकॉर्डिंग टू दिस इज बीपी, दिस इज बीपी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। तो आयोडो बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे आगे जाएगा, उसके बाद ब्रोमीन, आयोडो ब्रोमो बेंजीन, उसके बाद क्लोरो बेंजीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट, ये तो बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन अभी बात है कि आइसोमेरिक डाइहैलोजन डेरिवेटिव में ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। मैंने पकड़ लिया कि डाइहैलोजन डेरिवेटिव है, अभी मैं एग्जांपल देके दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा। सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, सपोज वी हैव दिस वन क्लोरीन, क्लोरीन, ये डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस वन ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, एंड फाइनली वी हैव पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसका एक डेटा मैं दिखा रहा हूं, मैंने तीन, ये डाइहैलोजन डेरिवेटिव है आइसोमेरिक, ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है मैं पहले बता रहा हूं। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है, दिस इज वेरी सिंपल, 453 केल्विन, ये ऑर्थो का बॉइलिंग पॉइंट है। मेटा का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 446 केल्विन, और पैरा का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 448 केल्विन। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 453 446 448। लेट मी टॉक अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, ये जो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 256 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 249 केल्विन, लेकिन जो पैरा आइसोमर है इसका मेल्टिंग पॉइंट ड्रास्टिकली ज्यादा होगा, एंड दैट इज 323 केल्विन। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट का बात आ रहा है तो 256 249, लेकिन पैरा में 323 केल्विन बहुत ही ज्यादा है। इसका रीजन क्या है पता करना है। जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट 70 to 100 degree हायर होता है देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। ये ऑर्थो आइसोमर, ये मेटा आइसोमर, इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट से 70 to 100 degree ये ज्यादा हो जाएगा, किसका, इसका, पैरा का। ठीक है, ये पता करना है क्यों ऐसा होता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। आइसोमेरिक डाइहैलोजन डेरिवेटिव में हम लोगों ने देखा बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट क्लोज है, लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट का बात आता है पैरा का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू द सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पैरा आइसोमर। मतलब मैं अगर इसको ड्रॉ किया इधर, ये क्लोरीन, ठीक है, ये बेंजीन रिंग, और पैरा पोजिशन में और एक क्लोरीन, तो वी कैन सी दिस स्ट्रक्चर इज सिमेट्रिकल। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सिमेट्री हम लोग देख रहे हैं इसमें, इस सिमेट्री के लिए, ये सिमेट्रिकल है, इसमें एक सिमेट्री है, यूनिफॉर्म है, तो इसके लिए इसका कॉम्पैक्टनेस, मॉलिकुलर कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा होता है। तो मॉलिकुलर कॉम्पैक्टनेस जितना ज्यादा होगा, ये क्रिस्टल लैटिस में बहुत टाइट पैकिंग से ये मॉलिक्यूल रह जाता है। तो इसीलिए इसको मेल्ट करने में, हम मेल्ट किसको करते हैं, सॉलिड को करते हैं, तो इसका जो क्रिस्टल होगा इसको मेल्ट करने में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए कंपेयर टू द ऑर्थो
एंड मेटा आइसोमर, दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब पैरा आइसोमर का सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के लिए इसका मॉलिकुलर कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होता है। मॉलिकुलर कॉम्पैक्टनेस के लिए क्या होता है ना, इंटर मॉलिकुलर जो एट्रैक्टिव फोर्स होता है बहुत ज्यादा होता है। मतलब सोचो कोई सॉलिड है, वो सॉलिड बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो उसको तोड़ने के लिए यू हैव टू गिव मच मोर एनर्जी, और कोई सॉलिड है जो कॉम्पैक्ट नहीं है तो ये कॉम्पैक्टनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूल का सिमेट्री के ऊपर। मॉलिक्यूल जितना सिमेट्रिकल होगा उतना ही कॉम्पैक्टनेस ज्यादा होगा, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जो मुझे पैरा आइसोमर में मिल रहा है कंपेयर टू द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टॉक अबाउट द सॉलिबिलिटी ऑफ हैलोएरिन। सॉलिबिलिटी के बारे में हम अगर बताएंगे तो हैलोएरिन का सॉलिबिलिटी सेम टू सेम हैलो एल्किन की तरह है। ये वाटर में कभी भी सॉलिबल नहीं होता है, याद रखना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है। और डेंसिटी की बात करते हैं, रीजन इज सेम बिकॉज हैलो एरिन जो है वो भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। और थर्ड दैट इज डेंसिटी, डेंसिटी के बात करेंगे तो हैलो एल्किन की तरह इसका लॉजिक होगा, मतलब आयोडो का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, क्योंकि आयोडो का मॉलिकुलर वेट एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा है, उसके बाद ब्रोमीन, सॉरी दिस वन इज ब्रोमीन बीआर, एंड फाइनली क्लोरीन। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्किन हैलोएरिन। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चले जाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्किन एंड हैलोएरिन। Thank you very much.